welcome to another episode of Home Bake with me, Chef Kirti. Firstly, a very Merry Christmas to all of you. And since it's finally Christmas, ये वो समय है जब हम सब सबसे ज़्यादा बेक करना चाहते हैं. And of course, मैं तो पूरे साल बेक करती हूँ. So today, let's make a very, very beautiful and delicious Christmas Yule log. So this chocolate and orange Yule log is delicious, moist and of course, eggless. We'll start, सबसे पहले हम बेस बनाएंगे जो हमारी चॉकलेट केक है. जिसके लिए एक बोल में सबसे पहले मैं लूँगी दूध. उसके अंदर हम डालेंगे विनेगर. दिस विल बेसिकली मेक अ काइंड ऑफ बटर मिल्क. अब इसके अंदर हम डालेंगे सम कास्टर शुगर और उसके साथ ऑयल. इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद में हम डालेंगे थोड़ा मिल्क पाउडर. छानेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को. तो मैं लूंगी मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा. इसे सिफ्ट कर लेंगे. सो वील गिव ऑल ऑफ दिस अ रियली गुड मिक्स टिल वी हैव अ नाइस लंप फ्री चॉकलेट केक बैटर. नाउ दिस विल गो इन अ लाइंड बेकिंग ट्रे. तो एक फ्लैट बेकिंग ट्रे का यूज करूंगी मैं एंड देन आई विल बेक इट फॉर जस्ट अराउंड 12 टू 15 मिनट्स इन अ प्री हीटेड 180 डिग्री ओवन. बेकिंग होने के बाद वाइल द केक इज स्टिल वार्म वी विल इन्वर्ट इट ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड वाइल इट स्टिल वार्म हम इसे रोल कर लेंगे. ऐसा करने से जब हम बाद में अपने स्विस रोल को रोल करेंगे तो वो टूटेगा नहीं एंड इसे रोल करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे. इन द मीनवाइल लेट्स मेक आवर फ्रॉस्टिंग. फ्रॉस्टिंग के लिए आज मैं बनाऊंगी एक चॉकलेट एंड ऑरेंज मूज. जिसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे डार्क चॉकलेट और सम फ्रेश क्रीम. इसे हम करेंगे माइक्रोवेव करीब 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसे मिक्स करेंगे टिल वी हैव अ नाइस चॉकलेट सॉस. जब ये ठंडा हो जाए हम इसके अंदर डालेंगे ऑरेंज जेस्ट. तो ऑरेंज का सिर्फ जो बाहर का ऑरेंज पार्ट होता है वही यूज़ करना है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फ्लेवर होता है. मेक श्योर दैट यू डू नॉट यूज़ द वाइट पोर्शन बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी बिटर. सो आफ्टर द ऑरेंज जेस्ट गोज इन हम इसमें फोल्ड करेंगे व्हिप्ड क्रीम. तो ऑलरेडी मैंने व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके रखा है टिल इट बिकम्स नाइस स्टिफ पीक्स और उसके बाद हम चॉकलेट गनाश और व्हिपिंग क्रीम को फोल्ड कर लेंगे. और कितना चॉकलेट गनाश इज टू कितना व्हिपिंग क्रीम दिस इज पर्सनली योर चॉइस क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मोर चॉकलेट फ्लेवर. तो आप गनाश ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा क्रीम ही चाहिए तो आप ज़्यादा व्हिप क्रीम यूज़ कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑरेंज आप इस क्रीम को और बहुत तरीकों से फ्लेवर कर सकते हैं. ऑफकोर्स आप इसको एक बेसिक चॉकलेट मूस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बट यू कैन ऑल्सो यूज़ फ्लेवर्स लाइक कॉफ़ी और इवन फॉर दैट मैटर यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सिनेमन एंड अदर फ्लेवर्स टू योर चॉकलेट मूस टू मेक इट अ फ्लेवर्ड चॉकलेट मूस. सो नाउ द चॉकलेट मूस इज रेडी एंड आर केक इज ऑल्सो कूल डाउन. सो वील नाइसली अनफोल्ड आर केक और उसके अंदर हम स्प्रेड करेंगे अ नाइस थिक और थिन लेयर व्हाटएवर यू लाइक योर चॉकलेट क्रीम. Once that is done, we'll again roll the chocolate Swiss roll और उसके बाद हम इसे transfer करेंगे अपनी board के ऊपर. हम अपने Yule log को finish करेंगे विद द चॉकलेट गनाश जो हमने पहले बनाई थी. उसके साथ हम इसे वापस से कवर करेंगे विद अ नाइस थिन लेयर ऑफ चॉकलेट गनाश एंड इसे मैं अच्छी तरह से डिज़ाइन कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ माय पैलेट नाइफ सो दैट इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ लॉग. उसके बाद हम ऑफकोर्स इसे डेकोरेट करेंगे. मैं यूज़ कर रही हूँ आज फ्रेश ग्रीन लीव्स, उसके साथ कुछ रेड बॉल्स जो कि क्रैनबेरीज जैसे दिखेंगे एंड फाइनली आई विल बी एडिंग सम ऑरेंज सेगमेंट्स टू दिस and finishing it with some candles for that festive touch. So ye thi meri chocolate and orange Yule log which is so delicious and absolutely perfect for this Christmas. You guys please try this recipe aur mujhe bataiye aapko kaisi lagi. I'll be back with another great recipe. Until then happy baking and Merry Christmas.